तो संगीत डायरेक्ट ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं राजदीप। और आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या डिग्री इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कितने सारे लोग हैं जिनके मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती है कि क्या वेब डेवलपमेंट में डिग्री इम्पॉर्टेंट है, क्या हम जॉब कर पाएंगे, क्या हम करियर बना पाएंगे, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमने सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स किया है, हमने सिर्फ डिप्लोमा कोर्स किया है, और क्या हम तब भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होने के बाद बिना डिग्री के हम इसमें करियर बना सकते हैं या नहीं। तो गाइस, इसका सीधा सा आंसर है कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना है, जॉब करना है, देन यू डोंट नीड एनी डिग्री। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग में मैंने सेकेंड ईयर तक ही किया और सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट के डिप्लोमा में एडमिशन लिया, साथ ही साथ में मैंने BCA ज्वाइन किया। तो मेरा जो कोर्स था वो करीब 1.5 साल का था वेब डेवलपमेंट का, और उसी के साथ मेरा BCA जो था वो था 3 साल का। तो मैंने मेरा कोर्स कंप्लीट किया वेब डेवलपमेंट में 1.5 साल में, और 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब शुरू कर दी। जब मैंने जॉब शुरू की तब मैं बहुत सारे इंटरव्यू देने गया, और इंटरव्यू में एक ये सुनकर आपको बहुत लगेगा कि इंटरव्यू में किसी ने भी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया कि मैं ग्रेजुएट हूँ या नहीं, या मैं ग्रेजुएशन में क्या कर रहा हूँ। डेफिनेटली उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। लेकिन जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो उनका मेन फोकस होता है कि आपको कितना आता है या आपकी स्किल्स क्या है। वो इस पर कभी फोकस नहीं करते कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है या नहीं। आप 10th पास हो सकते हैं और अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको डेफिनेटली जॉब लग जानी है, और आप ग्रेजुएशन के आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको आता नहीं है, आपको वेबसाइट्स बनाना नहीं आती, सिर्फ डिग्री के दम पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो गाइस, सिंपल सा है, आपकी स्किल्स बढ़ाइए। और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है या आपके पास कोई डिग्री नहीं है, और मैं तो ये बोलूँगा अगर आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है तो भी आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। अपने प्रैक्टिस करे हुए काम को आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं वहाँ पर ले जाइए, उन्हें दिखाइए, ठीक है। और कंपनीज जो है वो आपके रिज्यूमे पे ध्यान देती है, आपकी डिग्रीज पे नहीं। डिग्रीज पे सिर्फ वो एक बार नज़र मारते हैं, उसको साइड में रख देते हैं और फिर आपके रिज्यूमे देखते हैं। और रिज्यूमे भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका इंटरव्यू, आपको कितना आता है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है और जिनके पास डिप्लोमा है, और जिनके पास डिप्लोमा भी नहीं है, जो लोग मेरी चैनल से सारा कंटेंट देख रहे हैं और सीख रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी और एक बहुत ही अच्छा करियर आप इस फील्ड में बना सकते हैं। यू जस्ट नीड स्किल्स। स्किल जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बाकी आपकी डिग्री हो गई, आपका डिप्लोमा हो गया, आप कहाँ से हैं, आपकी हाइट क्या है, आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती है। स्किल्स को आपकी बढ़ाओ और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आया होगा कि आपको डिग्री इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और लाइक करो इस वीडियो को, इसको शेयर करो। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।